गाइज वेलकम टू टेकराज ऑफिशियल और इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज कैसा हो अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दूं जिससे कि आप लोग आराम से इनकम कर सकते हो 300 या 400 या 500 रुपए तक का पेटीएम कैश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ वो एप्लीकेशन डॉलर में पे करता है। जैसे कि आपको पता है कि डॉलर में मतलब एक डॉलर में फ़िलहाल तो 67 रुपीस चल रहा है, तो वो एप्लीकेशन एक डॉलर का 60 रुपीस देता है। तो आपको वो एप्लीकेशन डॉलर में पे करेगा गाइस, तो मतलब वहाँ पे अर्निंग करना भी ईजी है और आप लोग आराम से एक दिन के 500 रुपये तक या 500 से ज़्यादा रुपये तक का पेटीएम कैश कमा सकते हो। तो वीडियो पे बने रहो क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ आ जाएगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन में आप काम करें और इसमें पूरी तरह से सही से काम करके पैसे कमाएं तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मगर इन सब चीज़ों से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने टेकराज ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे टैप कर दीजिए और इसके साइड में जो बेल आइकन आएगा इसको भी टैप कर दीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सको। सो लेट्स गेट इनटू इट और हम अब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं और सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि क्या करना है कैसे करना है। जिस एप्लीकेशन में आप लोगों को वर्क करना है या यूं कहें कि जिस एप्लीकेशन से आप लोग 300, 400, 500 या उससे ज़्यादा रुपए तक का पेटीएम कैश एक दिन में कमा सकते हैं उसका नाम है बिग इंडिया मेक योर बिग मार्जिन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है और डाउनलोड करने के लिए सिंपली नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको और डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाया जाएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आप लोगों के सामने ऐसे करके एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर मांगेगा और यहाँ पे क्रिएट बिग इंडिया पासवर्ड यानी एक पासवर्ड देना पड़ेगा और आपका ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दीजिएगा, मैं ध्यान से सुनिए, मोबाइल नंबर जो दीजिएगा वो पेटीएम मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर पेटीएम मोबाइल नंबर होना चाहिए। और मोबाइल नंबर के बाद नीचे क्रिएट बिग इंडिया पासवर्ड, एक पासवर्ड और ईमेल आईडी देके फिर से ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन है इस पर टैप कर दीजिएगा। जब इसको टैप कर देंगे तब जो नेक्स्ट पेज खुलेगा यहाँ पे आपको मांगा जाएगा ऐड रेफरल कोड। इस एप्लीकेशन में रेफर कोड के बिना एंट्री नहीं है, तो रेफर कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से कृपया करके उसको डाल लीजिएगा क्योंकि रेफर कोड के बिना इसमें एंट्री नहीं है। रेफर कोड के बिना उस आप इस एप्लीकेशन में एंट्री कर ही नहीं सकते और एंट्री नहीं कर सकते तो कमा भी नहीं सकते। ठीक है, रेफर कोड के बाद यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम देना है। जी हाँ, पूरा नाम दीजिएगा, पूरा नाम देके जो ये बिग ज्वाइन बिग इंडिया का बटन है इसे टैप कर दीजिए। अगर बैकग्राउंड साउंड से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जब आप लोग ये सारे स्टेप्स अपना चुके होंगे तो उसके बाद आपका जो है ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। जब आप ज्वाइन बिग इंडिया यानी ये जो बटन है इस पर टैप कर देंगे तब आप लोगों का साइनअप प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। साइनअप प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पे आप लोगों को कुछ ऐसा नज़र आएगा और यहाँ पे शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट्स है, मैं पहले एक मिनट टच का कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा इसको डार्क में कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, दिस वन विल बी फाइन। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है ये है पॉइंट्स। ठीक है, और डैशबोर्ड के राइट साइड में जो है ये है आपके पैसे, जितने पैसे आपको जमेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके रेफरल मतलब आपके जितने भी लोग आपका रेफर कोड डाल के यहाँ पे आएंगे उनका यहाँ पे काउंट लिखा होगा। अभी मेरा कोई रेफरल नहीं है, अभी कोई मेरे लिंक से यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है या यूं कहे कि किसी ने मेरा रेफर कोड अभी तक डाला नहीं है क्योंकि मैं अभी इस एप्लीकेशन में नया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें
ये रेफरल में वही लोग आएंगे जो आपका रेफर कोड डालेंगे, और यहाँ पे आपके जो रेफर से पॉइंट्स इकट्ठा होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो अब ये होम का पेज है, अभी हम वॉलेट को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉलेट है ये एकदम लेफ्ट साइड में, मतलब ये वाला वॉलेट है ये ऑप्शन। और वॉलेट में देखिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेपल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, पेटीएम ट्रांसफ़र ले सकते हैं और बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और अभी मेरा अमाउंट $0.00 है, तो अभी कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो अभी ये जो नेक्स्ट साइन है इसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट साइन में टैप किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। इसमें अर्निंग प्लान्स के बारे में आप लोगों को बता के रखा है, गाइस ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग प्लान्स के बारे में लिखा गया है, आई एम सॉरी एक सेकेंड, हाँ अर्निंग प्लान्स के बारे में लिखा गया है। तो अर्निंग प्लान्स में आप लोगों को वही दिखाया जाएगा कि सपोज आप लोगों के मतलब कितने लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए ज्वाइनिंग यहाँ पे क्या बता रहा है, ज्वाइनिंग अगर यहाँ पे बता रहा है कि 0 to 149, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब 149 तक के लोग जमा कर लेते हैं तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको $3 मिलेंगे, ठीक है। ये लोग $1 का ₹60 देते हैं, तो $3 मतलब ₹180 अगर आप लोग 149 या 150 लोग जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है इनकम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे वो हैं, मतलब आप लोग जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतने पैसे आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से मेंशन कर रखा है कि वी पे ₹60, वी पे ₹60 पर $1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैसे शेयर करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शेयर करने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके ये जो लास्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो लास्ट का ऑप्शन है यहाँ पे टैप कीजिए। और टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा इनवाइट एंड अर्न, इनवाइट एंड अर्न पे टैप कीजिए। और इनवाइट एंड अर्न पे जब टैप करेंगे जस्ट वंस व्हाट्सएप दिख रहा है, तो व्हाट्सएप पे टैप करने के बाद कोई सा भी एक ग्रुप है उस पर आप लोग ये लिंक सेंड कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने ये लिंक सेंड कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से आपको जो है सेंड कर देना है अपने लिंक को। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके लिंक में टैप करेगा और वो टैप करने के बाद आपके रेफरल से ज्वाइन करेगा तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये तो हो गया एक अर्निंग करने का तरीका, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊँगा जो कि बहुत अनलिमिटेड तरीका है। मतलब कैसे अनलिमिटेड तरीका है, अब देखो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, तो वो बेचारे किसको शेयर करें और उनके कितने ही रेफरल्स आएंगे, मैं ये भी समझता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो एक ट्रिक है जिससे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो वो जो ट्रिक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के, तो वीडियो में बने रहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक दूसरा तरीका इसी एप्लीकेशन में कमाने का। तो देखिए ये तो एक कमाने का तरीका हो गया कि आप लोग रेफ़र कीजिए और अर्न कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डैशबोर्ड पे आएँ, ये तो वॉलेट का सेक्शन है, होम पे आइए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डैशबोर्ड एक है, और यहाँ पे देखिए मुझे 23 पॉइंट्स कैसे मिले। 20 पॉइंट्स मेरे को तब मिले जब मैंने एक फ्रेंड के रेफरल कोड से ज्वाइन किया, पहले के 20 पॉइंट्स वैसे ही मिलते हैं। और 20 कॉइन्स के बाद जब मैंने एक टास्क कंप्लीट किया उसके मेरे को 23 कॉइन्स मिले। अब 23 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, देखिए यहाँ पे एक टिक मार्क का साइन देखें आप लोग, ये वाला यानी फोर्थ ऑप्शन पे टैप कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि BI बिजनेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको BI बिजनेस नज़र आएगा, यहाँ पे BI बिजनेस लिखा हुआ है। तो BI बिजनेस क्या है, BI बिजनेस इसी ओनर का एक और एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग कुछ एड्स देख के अपने पॉइंट्स इस एप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। तो अब उस एप्लीकेशन में कैसे काम करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ओपन का बटन लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग ओपन का बटन है, ओपन के बटन पर टैप कीजिए। ओपन के बटन पर जब आप टैप करेंगे आपको पूछेगा कोई भी ब्राउज़र में खोलने के लिए, तो मैंने क्रोम ब्राउज़र में खोला, आप भी कर लीजिएगा। ओपन के बाद क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, खोलने के बाद ये एक लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ से एक जो है डाउनलोड करने को बोल देगा। तो सपोज़ मैंने एक डाउनलोड कर लिया किसी भी लिंक से, तो ये जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा BI बिजनेस, ठीक है।
तो इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। अब मैं आप लोगों को BI बिजनेस का हर एक रूल बता देता हूँ। तो जब आप लोग BI बिजनेस ऐप को BI बिजनेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि डाउनलोड करने के लिए, तो जब आप लोगों के यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तब यहाँ पे आप लोगों को कहेगा BI मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को वही मोबाइल नंबर देना है जिससे आप लोगों ने बिग इंडिया एप्लीकेशन में साइन अप किया, वही मोबाइल नंबर देना है। तो वो मोबाइल नंबर दे के आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन है इस पे टैप कर देना है। और जब आप लोग अपना मोबाइल नंबर जिससे आप लोगों ने बिग इंडिया एप्लीकेशन में साइन अप किया वो मोबाइल नंबर डाल लेंगे, तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आपके आईडी का नाम भी आ जाएगा, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, आईडी का नाम, ठीक है। और आपके सामने ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, जैसे लिखा होगा वॉच व्यूज़ 1, वॉच व्यूज़ 2, ठीक है, क्लिक व्यूज़, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी टू वॉलेट। अब ये जो आपके सामने तीनों हैं ये आपके टास्क हैं, ठीक है। ये BI बिजनेस के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए टास्क है, मतलब इन चारों को अगर आप करेंगे, ये 4 टास्क हैं टोटल, तो इन चारों टास्क को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है टोटल 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और 3 पॉइंट्स आपके जिसे कहते हैं हम बिग इंडिया एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टास्क कैसे करना है गाइस। तो वॉच व्यू 1 को ले लेते हैं, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जो है आप ये बटन टैप कर पाएंगे ऐड मनी टू वॉलेट, तभी आपका जो है वॉलेट में सारा पैसा ऐड होगा, मतलब पॉइंट्स ऐड होगा। तो इसी पॉइंट्स को फिर आप कन्वर्ट करके डॉलर में पेमेंट ले सकते हैं आसानी से। तो गाइस अभी देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वॉच व्यूज 1 है, तो हम उसको टैप करते हैं। वॉच व्यू 1 को जैसे कि हमने टैप किया तब हमारे सामने एक जो है ऐसे खुल के आ गया दूसरा एक पेज। इस पेज में क्या है देखिए, 2 कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज हैं लिंक शेयर करने के लिए, ठीक है, और नीचे के जो ये कैटेगरीज हैं ये हैं एड्स देखने के लिए। इन ऊपर की कैटेगरीज को कैसे कंप्लीट करना है देखिए, जब यहाँ पे आप लोग आएंगे इस पेज में आप लोगों को पहले इन सब से शुरू करना है, ठीक है, और इन सब को देखने के बाद आपको शेयर करना है। वो कैसे देखिए, यहाँ पे ऊपर व्यू 1 लिखा हुआ है, व्यू 1 को मैंने टैप किया, और व्यू 1 को टैप करते ही प्ले स्टोर में कोई जो है एप्लीकेशन खुल गया, और जब ये पूरा खुल जाएगा यानी ये जो एप्लीकेशन ये पूरा पेज खुल जाएगा उसके बाद आप लोग बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद जो राइट साइड में शेयर का बटन लिखा हुआ है शेयर पे टैप कर दीजिएगा, और शेयर के बाद व्हाट्सएप पे ये बोलेगा तो व्हाट्सएप पे आप चले जाइएगा। व्हाट्सएप पे जाके किसी भी ग्रुप या किसी भी जगह पे आप लोगों को जो है ये लिंक ऐसे अपलोड कर देना है, ठीक है। और वैसे ही आप लोगों को दूसरे एड्स को देखना है, जैसे मैंने व्यू 1 कर लिया, मैंने जो है व्यू 1 कर लिया, तो व्यू 1 करने के बाद ये मुझसे गलती से टैब हो गया, तो व्यू 1 कर लिया हमने, देखिए ये व्यू 1 हमने कर लिया। अब हमें व्यू 2 व्यू 3 देखना है, ठीक है। व्यू 2 को फिर से हम वही करेंगे, व्यू 2 पे टैप करेंगे और यहाँ पे प्ले स्टोर पे खुल जाएगा। प्ले स्टोर पे जब पूरा खुल जाएगा हम बैक कर जाएंगे, और साइड में शेयर के बटन पे टैप करके व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप या किसी भी एक बंदे को हम शेयर कर देंगे, जैसे कि मैंने ये लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया। इसी तरह से आप लोगों को जो है आपका व्यू 3 कंप्लीट करना है, व्यू 3 पे टैप करना है, और व्यू 3 पे टैप करने के बाद एक प्ले स्टोर में एक पेज खुल जाएगा, जब वो कंप्लीट खुल जाएगा साइड में शेयर लिखा होगा, शेयर को टैप कीजिए और व्हाट्सएप में किसी भी ग्रुप या किसी को भी सेंड कर दीजिए। तो जैसे मैंने ये भी सेंड कर दिया, तो मेरे ऊपर के जो टास्क थे यानी जो ये टास्क थे ये इसी तरह से कंप्लीट हो गए। अब मुझे जो है नीचे के टास्क को कंप्लीट करना है, उसके लिए क्या करना है देखिए, आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड के साउंड के लिए, यहाँ पे देखिए 1/30 लिखा है ऊपर एरो करके। तो 1/30 क्यों लिखा है, अभी मैंने गलती से टच कर दिया था, बहुत सारे ऐड खुल गए थे, तो उससे क्या हुआ था मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया 30 में से, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/30 लिखा है, यानी आपको यहाँ पे 30 बार एड्स देखने हैं। पहला टास्क तो हमने कर लिया, पहला टास्क हमने कैसे किया कि हमने शेयर कर लिया, मतलब एक बार ऐड देख लिया और एक बार शेयर कर दिया, और इसमें हमें नीचे वाले में इन सब में हमें एड्स देखने हैं। तो कैसे करना है देखिए, पहले व्यू पे हम टैप करते हैं, तो देखिए ये नॉर्मल लोडिंग ले रहा है,
और ऊपर अभी लिखा हुआ आएगा 2x30, ये देखिए 2x30, यानी अगर आपको ऐड दिखाया भी इसने तब भी आपका फ़ायदा, और अगर इसने ऐड गलती से नहीं दिखाया तो भी आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरे व्यू पे टैप करते हैं, तो देखिए हमारे सामने ऐड आ गए, तो हमें इसको थोड़ा धीरे धीरे बैक करना है, क्योंकि कभी कभार अगर हम पूरा बैक हो गए तो फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो देखिए 3x30 हो गया, इसी तरह हमें फोर्थ टैप करना है। फोर्थ को टैप करने के बाद देखिए ये भी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो ये भी ऐड नहीं आया, मगर 4x30 हो गया। इसी तरह हमें फिफ्थ को टैप करना है, देखिए ये भी ऐड नहीं आया और इसमें भी 5x30 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमें ये कंप्लीट करना है 30 तक, ठीक है, 30 तक कंप्लीट करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया और अब ये 7 हो गया। बेसिकली एड्स तो आती हैं मगर कभी कभार कम आती हैं, ठीक है। तो अभी 8वां मैंने टैप किया, देखिए इसमें भी ऐड नहीं आया। तो इसी तरह से आपको 30 बार जो है इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इसको पूरा 30 करके वापस आता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये जो है 30 के 30 कंप्लीट कर लिए। ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देख पाएंगे कि 30 के 30 मैंने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, कॉन्ग्रेट्स यू हैव सक्सेसफुली डन वॉच व्यूज। तो इसको फिर ओके पे टैप कर देना है, और नीचे जो यहाँ पे होगा एक बटन आएगा, उसका नाम होगा यहाँ पे कंप्लीट व्यू, इसको आपको टैप कर देना है। इसी के साथ आपका जो है ऊपर का एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, यानी देखिए ये अपने आप बैक हो गया, और आपका जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका जो है ये टास्क इसी तरह से कंप्लीट हो गया है। और ध्यान दीजिए कि आपको ये टास्क और ये टास्क बिल्कुल पहले टास्क जैसा ही करना है। तो मैं फिर से आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ वॉच व्यू 2 को, जल्दी से थोड़ा सा दिखा देता हूँ वॉच व्यू 2 को, इस पर हम करेंगे क्योंकि पहले हमने कर लिया। तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे दो तरह के वर्क मिलेंगे, एक में आप लोगों को लिंक शेयर करना है, एक में आप लोगों को व्यूज़ देखने हैं। लिंक शेयर में क्या करना है कि पहले यहाँ पे व्यू लिखा होगा, व्यू पे टैप करने के बाद आपका प्ले स्टोर खुलेगा, जब प्ले स्टोर पूरा खुल जाएगा उसके बाद आपको बैक करना है, और यहाँ पे शेयर का बटन होगा राइट साइड में, और व्हाट्सएप में आपको जाके किसी भी एक ग्रुप में या कहीं पे आपको शेयर कर देना है, जैसे कि मैंने इसको शेयर कर दिया। और जब ये पूरी तरह से मैसेज चला जाएगा तब व्हाट्सएप से बैक होके फिर से हमें आना है, और इसी तरह से व्यू 2 पे टैप करना है, और फिर से प्ले स्टोर पे एक पेज खुलेगा, और इसको हमें जब पूरा खुल जाएगा बैक कर देना है, और शेयर के बटन पे टैप करके व्हाट्सएप खोल लेना है, और यहाँ पे किसी भी एक लिंक मतलब किसी भी एक ग्रुप में या कहीं पे इसको सेंड कर देना है। तो फिर से सेंड करने के बाद फिर हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर यहाँ पे वॉच व्यू मतलब व्यू 3 है, व्यू 3 को टैप करेंगे, प्ले स्टोर में खुल जाएगा, जब पूरा खुल जाएगा बैक करके शेयर का बटन टच करेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, और यहाँ पे किसी भी एक ग्रुप में हम लोग ये लिंक भी सेंड कर देंगे। तो जैसे कि अब ये भी सेंड हो गया, तो सेंड होने के बाद आपका ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका। अब बारी होती है आपके जो है व्यूज़ कंप्लीट करने की, यानी 30, ठीक है, 0x30 लिखा हुआ है, तो आपको 30 के 30 देखने के लिए किसी भी एक नीचे जो यहाँ पे इतने सारे व्यूज़ लिखे हुए हैं, किसी भी एक व्यू पे टच कीजिए। जैसे मैं अभी पहले वाले पे टच करता हूँ, पहले वाले पे जैसे मैंने टच किया बहुत सारे एड्स खुल के आ गए, इन एड्स को धीरे धीरे मैंने बैक किया, और इसके साथ मेरा जो है एक व्यू कंप्लीट हो गया, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं 1x30 हुआ। तो इसी तरह से जो है आपको बाकी के व्यूज़ भी कंप्लीट करने हैं। तो मैं 30 के 30 वापस करता हूं मैं। तो गाइस अगेन हमारा ये जो टास्क भी कंप्लीट हो गया, और पॉपअप आ गया, और पॉपअप पे ये ओके का बटन है, इसे टैप करके नीचे जो है कंप्लीट व्यू का बटन टैप कर देना है, और इसी के साथ जो है हमारे इस टास्क का भी पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो ये वाला भी टास्क हो गया, और सिमिलरली हमने जैसे पहले के दो ये टास्क किए, ये हमारे अलग थे, ठीक है, ये थे वॉच टाइम, ठीक है। अब है क्लिक व्यू, थर्ड वाला क्लिक व्यू को कैसे कंप्लीट करना है, देखिए क्लिक व्यू पे हम पहले टैप करेंगे, और टैप करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जो कि गूगल दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये गूगल दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा लोड एड्स लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, लोड एड्स में लोड एड 1 है ये, तो यहाँ पे हमें टैप करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लिक दिस एड, तो हम इस ऐड को क्लिक कर देंगे, और जहाँ पे भी ये ले जाएगा हमें, यानी प्ले स्टोर पे ले जाएगा, और यहाँ पे एक पॉपअप देगा कि वेट फॉर 10 सेकेंड्स। तो देख सकते हैं आप कि 10, 9, उसके बाद ये जो है काउंटडाउन चलता रहेगा, और जब ही काउंटडाउन ख़त्म होने को आएगा, यानी देखिए जैसे कि ये 2 सेकेंड्स और ये 1 सेकेंड हो गया है, तो जब ही काउंटडाउन ख़त्म हो जाएगा तभी आपको बोल देगा 1 click successful go back now, ठीक है, अब आपको फिर से एप्लीकेशन में बैक हो जाना है।
और बैक होने के बाद फिर ये ऐड को हटा देना है। तो नीचे फिर लिखा आएगा लोड ऐड टू, ठीक है, नीचे लिखा आएगा लोड ऐड टू, फिर से आपको टैप करना है और यहाँ पे लिखा आएगा क्लिक दिस ऐड, तो इसको हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है और फिर बोलेगा वेट फॉर 10 सेकेंड्स यहाँ पे, और फिर से जो है 10 सेकेंड्स का एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और जैसे फिर से जैसे पहले की तरह फिर जब 2 सेकेंड 1 सेकेंड आ जाएगा तब आपको बोलेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है सेकेंड क्लिक, अब ऐप में वापस जाइए। फिर से हम वापस जाएंगे और इस ऐड को हटा देंगे, फिर नीचे लिखा आएगा लोड एड्स 3, तो फिर लोड एड्स 3 पे टैप करेंगे, यहाँ पे बोलेगा क्लिक ऑन दिस ऐड, तो फिर से हमने इसको क्लिक किया। बार बार एक ही ऐड आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट का ही आ रहा है, तो बार बार एक ऐड आ ही सकता है, और यहाँ पे फिर से आपको 10 सेकेंड्स वेट करना है। और इसी के साथ 1 सेकेंड हो गया और यहाँ पे फिर से वो ऐप में गो बैक करने को बोल रहा है, तो हम ये बैक करके ऐड काट देंगे। और इसी के साथ फिर बोलेगा लोड एड्स 4, फिर से ऐड आएगा, क्लिक ऑन दिस ऐड कह रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर 10 सेकेंड्स वेट करने को कहेगा। और इसी के साथ 1 सेकेंड हो गया है, 1 सेकेंड के बाद ये कह रहा है ऐप में वापस जाओ, हमने ऐड को स्किप कर दिया। और यहाँ पे लोड ऐड 5, तो यहाँ पे आपको 5 ऐड्स मिलेंगे इसका मतलब। और यहाँ पे मैंने टैप किया मगर कोई ऐड आया नहीं, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है। देखिए फिर से मैं लोड ऐड पे टैप करता हूँ और अभी कह रहा है क्लिक दिस ऐड, तो ये देखिए ये कोई दूसरा ऐड है, तो यहाँ पे ये ब्राउज़र खुल गया मेरा क्रोम का, और यहाँ पे कह रहा है ये 10 सेकेंड्स वेट करने को, मैं फिर से वेट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग ऐसा नहीं कि वेट करते रहो मतलब ऐसे ही छोड़ दो, आप लोग स्क्रॉल डाउन कर सकते हो आसानी से कुछ अगर आपको पढ़ना हो, या अगर आप बोर नहीं होना चाहते। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस हैं, जैसे अगर आप इमेजेस देखना चाहते हो या कुछ ये जो टेक्स्ट हैं इनको अगर पढ़ना चाहते हो तो इस मीनवाइल में पढ़ सकते हो। तो देखिए ऐसे स्क्रॉल डाउन करते करते ही ये 2 सेकेंड हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया, तो अब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नीचे लिखा आएगा कि क्लिक सक्सेसफुल गो बैक टू ऐप, तो अब हमें बैक कर जाना है, ऐड को स्किप कर देना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है कंप्लीट क्लिक व्यू, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा आएगा कंप्लीट क्लिक व्यू, तो यहाँ पे आपको इस पर टैप कर देना है। और इसी के साथ आपका ये जो तीसरा टास्क था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने ये जो है पूरे टास्क कंप्लीट कर लिए। गाइस ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा और इसे आप देखिए, हमने ये जो 3 है, ये 1 2 ये 3, ये हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। और ये तीनों कंप्लीट करने के बाद ही ये जो एक बटन है ऐड मनी टू वॉलेट, तभी आप इसको टैप कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी तीनों काम कर लिए, अभी मैं इसको टैप कर सकता हूँ। और ध्यान रखिए गाइस, आप इस ऐप में कितने बार भी काम कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब आप चाहें तो एक दिन में से 50 बार भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उतनी स्पीड किसी की नहीं होती मगर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो कि ऐड मनी टू वॉलेट बटन है इसको मैं टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉइंट्स एडेड सक्सेसफुली, और ये जो है मेरे बिग इंडिया एप्लीकेशन में पॉइंट्स ऐड हो गए। ठीक है, अब हम इस एप्लीकेशन को बंद करते हैं और अपने बिग इंडिया एप्लीकेशन में जाते हैं। तो गाइज हम अपने बिग इंडिया एप्लीकेशन में आ चुके हैं और ये शुरू में थोड़ा लोडिंग ले रहा है देखने के लिए कि हमने उधर सारा काम किया है कि नहीं, और इसने देख लिया कि जी हाँ हमने सारा काम किया है। और देखिए ये जो मेरे पॉइंट्स 23 थे वो 26 हो गए, और 100 पॉइंट्स होने के बाद ही आप लोग जो है इसमें से 300 रुपये या 400 रुपये तक का रिडीम ले सकते हैं। जब ये 100 रुपीज़ हो जाएगा तब आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको एक पर्स टाइप का लोगो मिलेगा लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, उस पर टैप कीजिएगा। और यहाँ पे पेटीएम ट्रांसफ़र अगर आपको करना है तो पेटीएम ट्रांसफ़र पे टैप कीजिएगा। पेटीएम ट्रांसफ़र जब हो टैप कीजिएगा तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा पेटीएम नंबर अपना, और यहाँ पे योर बिग इंडिया आईडी और अमाउंट। अब बिग इंडिया आईडी क्या है भाई साहब? बिग इंडिया आईडी है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा अपना बिग इंडिया आईडी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे आप लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को दिख जाएगा आईडी, ये देखिए बिग इंडिया आईडी, ये नंबर आपको दिख जाएगा, तो ये नंबर आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। गाइस बिल्कुल फेक एप्लीकेशन नहीं है, बहुत 100% पे करेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम ट्रांसफ़र में, फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका फिर पेटीएम नंबर आएगा और बिग इंडिया आईडी आएगा और अमाउंट। अब अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने अमाउंट हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन है कन्वर्ट पॉइंट्स, जैसे कि मेरे 26 है, यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट्स का एक बटन आपको मिल जाएगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तब कहेगा कन्वर्टिंग 100 पॉइंट्स, समझ रहे हैं, मतलब मिनिमम आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पे कमाने पड़ेंगे। और गाइस ये बहुत आसान है,
आप जब भी एक फ्रेंड को ऐड करेंगे तभी आपको मिल जाएंगे उसकी तरफ से 5 पॉइंट्स। इसी तरह से आप लोग अगर मतलब 5 10 50 तो यही हो गए, ठीक है, 5 20 100 हो गए, तो इसी तरह से आप लोग जो है आराम से कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, मतलब वर्क कीजिए इस एप्लीकेशन में और ज़रूर जो है मेरे लिंक से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और मेरे रेफ़र कोड देने पे आप लोगों को शुरू के 20 पॉइंट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ध्यान दीजिए, शुरू के 20 पॉइंट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करके मेरे जो है रेफरल कोड डाल के आप लोग इस एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा। अगर एप्लीकेशन अच्छा लगा और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा, अगर समझाना मतलब समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तो अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूँ, या कहें कि एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग बहुत सारा अनलिमिटेड रेफरल पा सकते हैं। वो कैसे मैं आप लोगों को अब बताता हूँ गाइस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, जैसे 50-60 ऐसे होते हैं। अब उनमें आप अगर आप कोई लिंक शेयर भी करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार कोई टैप करता भी है नहीं करता, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक देता हूँ, एक सजेशन देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का बहुत अच्छा काम हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोग मतलब ये जो है रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि रेफर एंड अर्न कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया वीडियो के। तो आप लोग अनलिमिटेड रेफर कैसे पा सकते हैं वो आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना गाइस, आप लोग सिंपली जाइए प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स। और देखिए, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप्स सर्च करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे ढेरों एप्लीकेशंस आ जाएंगी गाइस। इनमें क्या होता है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होती हैं, तो उनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स में, और ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद उसके बाद आप लोग वहाँ पे जो है हर किसी को ये लिंक भेज सकते हैं। और अगर उसने आपके लिंक पे टैप करके अगर उसने आपका रेफरल कोड डाल के कर लिया, साइन अप किया, तो आपको जो है उसके पैसे मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ये फार्मूला अपनाइएगा, इससे आप लोगों को बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। सो टाटा, मैं पहले ही टाटा बाय बाय बोल चुका हूँ, अगेन मैं बोल देता हूँ। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।